तब कल वोटिंग है, क्या आपका मैसेज रहेगा युवाओं के लिए और किस तरह की समाज, किस तरह की सोच बनानी चाहिए युवाओं को? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एक हमारी आवाज़ को आम जनता तक पहुँचाने का काम किया है। तो पत्रकार महोदय जी, मैं कहना चाहता हूँ, आपने जो क्वेश्चन किया है कि क्या युवाओं के लिए संदेश रहेगा, क्या बेरोजगारों के लिए संदेश रहेगा, तो पहचानिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज से 2014 में जिस टाइम बीजेपी की लहर हुई थी, सिर्फ एक झूठे जुमलों के भरोसे बीजेपी ने जो आवाज़ उठाई थी, देश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, 15-15 लाख इनके खातों में आएंगे, महंगाई घटेगी, अच्छे दिन आएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन अच्छे दिन ज़रूर आ गए, घर घर में गरीबी बढ़ गई। आज मैं अपने युवाओं से, जब युवा साथियों से कहना चाहता हूँ आपके प्रेस के माध्यम से, दोस्तों आप वोट देना, वोट वहाँ देना जहाँ आपका अधिकार हो, वहाँ मत देना जहाँ आपको आपके घर में गरीबी आ चुकी हो। जिन्होंने 350 का सिलेंडर 1200 का कर दिया हो, 50 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये का कर दिया हो, 38,000 रुपये का सोने का जो रेट चलता था, जो 75,000 रुपये करते हो, दालों का रेट जो चल गया है, लेकिन युवा साथियों मैं आपको बताना, जो आपका भविष्य हो हमारे देश का, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अच्छा चुनो, देश के लिए चुनो, देश के लिए जियो। आप, मैं कहता हूँ आज राहुल गांधी जी से विचार सुनते हैं, देश सुनता है उनको, हुड्डा जी को भी देश सुनता है, दीपेंद्र हुड्डा जी की देश सुनता है, सभी युवाओं के लिए मेरे हिसाब से कांग्रेस से अच्छा आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं पूरे घर घर में ये संदेश देना चाहता हूँ कि कांग्रेस को अपना वोट दीजिए और हमारी जींद से लेके जी लोकसभा सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी जी को मजबूत बनाए। धन्यवाद जी। टांग साहब, क्या आपका मैसेज रहेगा अब की बार वोटिंग में, क्योंकि बहुत बड़ी पंचायत है देश की और देश का भविष्य यहीं से जो है बनता है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और स्पेशली थैंकफुल आपके चैनल के लिए आपका धन्यवाद जसवंत जी। देश के युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि 2014 में, जैसा कि कागड़ा साहब ने बताया, आप युवा आज उस 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी से क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि जब सरकार बनाने से पहले मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, आप पत्रकार हो, मैं आपसे पूछता हूँ 2 करोड़ तो छोड़ो, 2 लाख रोजगारों के नाम गिनवा दो आप जो दिए गए हो, और जाति पाति धर्म अधर्म के लिए वोटिंग करना, कभी भी बीजेपी सरकार ने शिक्षा के नाम पर वोट नहीं मांगा, राम मंदिर बना दिया, चलो अच्छी बात है, हम कहते हैं मंदिर भी बनना चाहिए, बट इस देश के युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज जितने ज़रूरी है, जितना राम मंदिर ज़रूरी है उतना ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज ज़रूरी है। तो आज आप, आज युवा खुद फैसला करेगा, उनको यूनिवर्सिटियों के लिए, रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए, और आप देख सकते हो अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना के खिलाफ वोट डालने के लिए, देश के युवाओं से स्पेशल सोनीपत लोकसभा के युवा साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा, सतपाल ब्रह्मचारी जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने का काम करें और इस निकम्मी और नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कुछ एक हमारे समाज के युवा साथी जिन्होंने बैंड मार्केट में प्रोग्राम किया था, उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, वो लोग अपने अंदर जाके पहले सतपाल ब्रह्मचारी जी का विरोध कर रहे हैं, और हम सतपाल ब्रह्मचारी जी के विषय में बताएंगे, वो लोग हमारे पास आकर डिबेट करें कभी, और केवल 2 लोग या फिर मैं अकेला, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला समाज का फैसला कर देता हूँ, केवल 2 लोग रविदासी समाज का, धानक समाज का, वाल्मीकि समाज का विरोध कर रहे हैं, उनको खुद को पता है भी उनका समाज उनके साथ कितना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ, भी पूरी तरह से वाल्मीकि समाज, धानक समाज, रविदासी समाज सतपाल ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को वोट देने का काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।